हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। क्या आप जानते हैं कि 1,000 रुपए से हम 187,63,47,180 रुपए कैसे कमा सकते हैं? तो डोंट वरी, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसके एंड में हम ये कैलकुलेशंस देखेंगे विद प्रूफ। एनीवेज, क्या आपको पता है कि जिम साइमंस ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न लिया और वो भी 30 सालों तक, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। पीटर थील ने वॉरेन बफेट से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5 गुना का रिटर्न लिया और वो भी 22 सालों तक, फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉरेन बफेट बचपन में ही इस कंपाउंड इक्वेशन को समझ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितने पैसे कमाएंगे। वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल यानी आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आर यानी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, और टी यानी टाइम। और क्योंकि कम एज में उनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तो छोटा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि बेशक पैसे ना हो लेकिन टाइम तो बहुत है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं अपनी स्किल से बढ़ा सकता हूँ, इसलिए कंपाउंडिंग मेरे लिए काम कर सकती है। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि बेशक हमारे पास अभी कम पैसे हैं, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है जो इस इक्वेशन में अवेलेबल है, और उतना टाइम किसी 40 साल के इंसान के पास नहीं होगा, बेशक वो साल के 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना कमा रहा हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये देखेंगे कि हम किस में और कैसे इन्वेस्ट कर सकते अपने पहले 1,000 रुपए को। सो लेट स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो अब हम इमेजिन करते हैं कि आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के पास 1,000 रुपए हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड उसे किसी एंजॉयमेंट के लिए खर्च करना चाहता है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, मूवीज एक्सेट्रा, क्योंकि वो बिलीव करता है यार प्रेजेंट में जियो। 1,000 रुपए से कौन सी किसी की लाइफ चेंज होने वाली है? फ्यूचर में मेरी अच्छी जॉब लगेगी और उसे पता नहीं कितने 1,000 रुपए कमा लूंगा। लेकिन आप थोड़े इंटेलिजेंट हैं, लॉन्ग विजनिस्ट हैं, आपको पता है कि कंपाउंडिंग क्या है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो छोटा अमाउंट भी बड़ा हो जाता है, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ किया जाए सवाल तो ये है। लेट से आप निफ्टी 50 में 20 साल से 50 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, तो 30 साल बाद यानी 50 की उम्र में आपके पास 60 लाख के करीब एक्स्ट्रा कैश होगा, जबकि आपने इन 30 सालों में टोटल अमाउंट सिर्फ 3,60,000 रुपए ही इन्वेस्ट किया है, और वो भी किश्तों में। इसकी कैलकुलेशन ये रही। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्लो मोशन में देख सकते हैं। इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिया है। 15% का रियल एग्जांपल विद रियल डेटा हम आगे देखेंगे। एनीवेज, ये 60 लाख रुपए जो आपको मिलेंगे ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है। इसके अलावा अगर हमने और पैसे इन्वेस्ट करे होंगे तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होगा। अब जरा देखते हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हुआ होगा। उसे होश आता है 30 साल की उम्र में और वो आपसे 3 गुना ज्यादा 3,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने लग जाता है। इसके बावजूद उसके पास 50 की एज में 17 लाख रुपए आपसे कम होंगे, यानी सिर्फ 43 लाख रुपीस होंगे। ये रही आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। अब आप में से जो लोग इम्प्रेस हो गए हैं वो सोच रहे होंगे कि वाओ, ये तो बहुत अच्छे रिटर्न है, लेकिन ये रिटर्न मिलेंगे कहां से? तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स फंड है जो हमें ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दे सकता है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो इसके ऊपर हमने डिटेल में एक कोर्स बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमें से मैक्सिमम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार अगर हम इतने पैसे कमा सकते हैं तो मैक्सिमम लोग सिप को कंटिन्यू रख क्यों नहीं पाते। रीजन वन, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं हर महीने पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाया तो क्या होगा। अब सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसमें हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। ये कोई लोन की ईएमआई नहीं है कि अगर हमने नहीं भरी तो बैंक वाले हम पर कोर्ट केस कर देंगे। इसलिए सिप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो कभी भी सिप को बंद करवा सकते हैं, या फिर उसमें ज्यादा पैसे डाल सकते हैं या कम पैसे डाल सकते हैं, या इवन पैसे निकाल भी सकते हैं और हम पर कोई कोर्ट केस नहीं होगा। सेकंड रीजन जिसकी वजह से लोग सिप जल्दी बंद कर देते हैं वो है वोलेटिलिटी, यानी मार्केट में उतार और चढ़ाव, जिसे लोग रिस्क समझ लेते हैं। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का एक्चुअल डेटा है। इसमें सबसे पहला कॉलम इन्वेस्टमेंट डेट है, यानी जिस दिन हम निफ्टी 50 में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड कॉलम क्यूमुलेटिव इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी अभी तक हमने कितने पैसे इन टोटल इन्वेस्ट कर चुके हैं। और थर्ड कॉलम है मार्केट वैल्यू, यानी हमारा इन्वेस्टेड पैसा अब कितना हो चुका है। तो पहली रो में हम 30th जून 1999 को 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 1,000 रुपए ही रहेंगे। एक महीने के बाद यानी 30th जुलाई 1999 को दोबारा से 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो टोटल पैसे जो अभी तक हमने इन्वेस्ट किए हैं वो है 2,000, क्योंकि 1,000 पिछले महीने किए थे और 1,000 इस महीने, और इसकी मार्केट वैल्यू होगी है 2104 रुपए। इस मूवमेंट में मैक्सिमम लोग खुश हो रहे हैं कि वाओ, हमारे 2,000 रुपए 2104 रुपए में कन्वर्ट हो गए, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं और 2104 रुपए हमने 2 महीने में ही कमा लिए, जिसका मतलब है कि हमने अप्रोक्सीमेटली 5.2% 2 महीने में अर्न किए, यानी साल के 30% के आसपास। हम तो तहलका मचा देंगे, लेकिन रियलिटी में कोई तहलका नहीं मचा है।
अभी हम आगे देखते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने तक हम 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो बन गए हैं 3,287 रुपए। चौथे महीने 4,000 रुपए बन गए हैं 4,266 रुपए। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिफ्थ महीने अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट हमने की है 5,000 रुपए की, जो बन चुके हैं 4,834 रुपए। अब आप बोलेंगे, यार ये क्या, मैं तो लॉस में चला गया। अब आपको इस थ्योरी पर डाउट होने लगेगा। अगले कुछ महीने फिर सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन फिर दोबारा से 14th, 15th, 16th मंथ में आपके NAV की मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से भी कम है। आप सोचेंगे, यार साल हो गया है, 14 मंथ चल रहा है, इससे अच्छा तो मैं किसी बैंक की FD में जमा करवा देता। और ये चीज चलती रहेगी, इसे ही वोलेटिलिटी कहते हैं। आप 28th मंथ में देखो, आपको 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है इन्वेस्ट करते हुए, हर महीने 1,000 रुपए, लेकिन इन 28,000 रुपीज की वैल्यू 20,267 रुपीज है। पूरे 4 साल के बाद 48,000 रुपए की वैल्यू 42,838 है। इस वक्त मैक्सिमम लोग बोलेंगे, क्या बेकार चीज है यार, पैसे बाहर निकालो, बेकार की वीडियो देखी थी, या जॉन बॉगल जिन्होंने ये थ्योरी दी है ये भी इडियट है। और जैसे ही आपने पैसे निकाले, आपको लॉस हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट तो पैसे निकालने में होता है, वरना ये तो पेपर लॉस ही था। लेकिन जो सिप को एक्चुअल में कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वो ही रिटर्न पा पाएंगे। तो 30/10/2007 में जो लोग अभी तक टोटल 1,01,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पैसे हो गए हैं 4,12,916 रुपए, जो दोबारा से अब कम या ज्यादा होते रहेंगे। 2 May 2017 तक आप टोटल इन्वेस्ट कर चुके हैं 2,15,000 रुपए और आपका टोटल अमाउंट हो चुका है 9,29,510 रुपीज। और फाइनली अगर हम आज तक की बात करें, यानी 30 August 2021 तक, तो अभी तक हम इन्वेस्ट कर चुके हैं 2,67,000 रुपए और आपके NAV की टोटल मार्केट वैल्यू है 18,68,206 रुपए, यानी 18 लाख रुपए। और अगर इसका हम परसेंटेज रिटर्न देखें, तो आपको टोटल रिटर्न मिला है 15.3%। और ये वोलेटिलिटी रीजन है जिसकी वजह से कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, व्हेनेवर आई बाय स्टॉक्स आई अज्यूम मार्केट इज क्लोज फॉर नेक्स्ट 5 years, यानी जब मैं कंपनी के शेयर्स लेता हूं, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि मार्केट अगले 5 सालों के लिए बंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी और कम होती रहेगी। और वोलेटिलिटी शेयर मार्केट का नेचर है। आई नो हमें से कई लोग बहुत बड़े ड्रीमर्स हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 18 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वैसे आपने हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए ही डाले थे, अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता। एनीवेज, देखिए वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी थी 11 साल में, लेट से हम 9 साल लेट हो चुके हैं और हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं 20 साल की उम्र में। 1,000 रुपए हर मंथ हम पैसे डालते रहते हैं और लाखों की नौकरी लगने पर भी हम कुछ पैसे इंक्रीज नहीं करते। देखो अभी वॉरेन बफेट की एज हो चुकी है 91 ईयर्स और उनकी नेटवर्थ है 6.4 लाख करोड़ रुपीज। आप मुझे बताओ कि अगर आप में कोई स्किल सेट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपकी नेटवर्थ एट द एज ऑफ 91 ईयर्स क्या होगी? अगर हम इंडेक्स फंड का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट माने और महीने के हम 1,000 रुपए, यानी साल के सिर्फ 12,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहें, तो अगर हम 20 साल से स्टार्ट करते हैं, तो 91 ईयर्स की एज में हमारे पास होंगे 187,63,47,170 रुपीज एंड 11 पैसे। ये रही इसकी कैलकुलेशन, इसे भी हम चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। आई मीन नॉट बैड, हमें तो वॉरेन बफेट की तरह किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी ही नहीं थी, सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंडेक्स फंड में जाते रहते। हम में से जो लोग सोच रहे हैं कि यार 91 साल तक तो पता नहीं जिएंगे भी या नहीं, फिर क्या फायदा, फिर मुझे ये बताओ कि आप खुद तो अपने को वॉरेन बफेट से कंपेयर कर रहे हो और उनकी एज तक का पेशेंस हमारे पास है नहीं। एनीवेज, जो लोग स्मार्ट हैं वो इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास शुरू में ज्यादा पैसे नहीं है, तब भी हमारे पास कंपाउंडिंग के मैजिक के लिए टाइम और इंटरेस्ट रेट है। फिर हमने देखा कि इंडेक्स फंड में जनरली लोग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव है। इसके अलावा हमने देखा कि सिर्फ कोई बैंक की EMI लोन की तरह नहीं है कि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। हम जब चाहें इसे बंद कर सकते हैं, ज्यादा पैसे डाल सकते हैं या फिर पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी यंग पर्सन है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन्वेस्टिंग को समझ पाए। इंडेक्स फंड पर जॉन बॉगल ने एक बहुत ही ऑसम बुक लिखी है, द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जिसे आप फ्री में पढ़ या सुन सकते हैं गीगल एप्लीकेशन में। गीगल एप्लीकेशन में 150 से ज्यादा नॉलेजेबल बुक समरीज अवेलेबल है। ये ऐप दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।
जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।